श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए और पुराणिक उपायों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इस भावना के साथ आज हम विचार करेंगे दुर्भाग्य को दूर करने का उपाय। अक्सर मनुष्य बहुत से प्रयत्न करता है किंतु फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य का भाग्य जो है अक्सर उसका साथ नहीं देता। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। भाग्य जो है सर्वत्र प्रभाव देता है, इतना प्रभाव विद्या का भी नहीं होता और परिश्रम का भी नहीं होता जितना फल जो है भाग्य से मिल जाता है। जो लोग भाग्य के धनी होते हैं, यदि वो कम गुणवान भी हों, विद्या में भी कम हों, फिर भी वो सभी सुख जो है प्राप्त कर लेते हैं, धन वैभव प्राप्त कर लेते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भाग्य को जगाए, अपने दुर्भाग्य को दूर करे और इस दुर्भाग्य को दूर करने का भी उपाय करना चाहिए। जब जन्मपत्री में नवम भाव का स्वामी भाग्येश जो है वो मंदा हो, त्रिक भाव में बैठ जाए, नीच का हो जाए, अन्य किसी प्रकार से मंदा हो जाए, तो जातक का भाग्य उसे साथ नहीं देता और सारा ही जीवन उसका संघर्ष में निकल जाता है, दुखों में निकल जाता है और हर कार्य में उसे हानि का सामना करना पड़ता है। तो उसी के लिए आज मैं आपके लिए उपाय लेकर आया हूं। यह उपाय जो है पुराणिक उपाय है, पुराणों के अंदर इस उपाय को कहा गया है और भविष्य पुराण में यह उपाय बताया गया है कि दुर्भाग्य को मनुष्य कैसे दूर कर सकता है, दरिद्रता को कैसे दूर किया जा सकता है और दुर्गंध को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस उपाय के लिए मनुष्य को यत्न अवश्य करना चाहिए ताकि मनुष्य जो है अपने भाग्य का उदय कर सके। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही सर्वत्र फल देता है। और कुछ कहावतें भी ऐसी हैं जैसे कि गुणवंत न जन्मिए, जन्मिए भाग्यवंत, भाग्यवंत के द्वार पे खड़े रहें गुणवंत। कि भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में भाग्यवान संतान जन्म लेकर आए, क्योंकि जो गुणवंत होते हैं, गुणवान होते हैं, वो भी भाग्यवंत के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि गुणवंतों को भी भाग्यवान के अंडर काम करना पड़ जाता है। अक्सर ऐसा समाज में बहुत होता है कि कम पढ़ा लिखा जो है वो उच्च पदवी के ऊपर है और किंतु जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, वो कम सुख प्राप्त करता है और वो जो है भाग्यवान के आगे जो है वो काम करता है, नौकरी करता है, उसके अंडर काम करता है। तो इसलिए एक समय महाभारत के समय में एक समय युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछा कि हे वासुदेव, हे नारायण, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से मनुष्य अपना दुर्भाग्य दूर कर दे और दुर्गंध को दूर करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उपाय बताया वही मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम दुर्भाग्य को दूर करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करें। जो भी भगवान सूर्य को प्रसन्न करते हैं उनकी उपासना करते हैं, सूर्य नारायण को जल अर्घ देते हैं,
दीप दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। जन्म जन्मांतर तक उनको दरिद्रता प्राप्त नहीं होती, दुर्भाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से ऐसा ही एक उपाय बताया था कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रातः काल में किसी तालाब आदि में स्नान करके, स्नान करने के पश्चात तीन वृक्षों की पूजा करनी है। पहला वृक्ष है सफेद आक, सफेद अर्क का वृक्ष। दूसरा वृक्ष जो है वो नीम का वृक्ष जो है उसकी पूजा करनी है, और तीसरा जो है लाल कनेर। ये तीनों वृक्षों की पूजा भलीभांति करनी चाहिए। षोडशोपचार से इन तीनों वृक्षों की पूजा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तालाब में, तालाब आदि में स्नान करने के पश्चात इन तीन वृक्षों की जो पूजा करता है उसके दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक उसे दरिद्रता प्राप्त नहीं होती और दुर्भाग्य प्राप्त नहीं होता। ये उपाय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को भविष्य पुराण में कहा गया है। और ये तीनों वृक्ष जो हैं ये सूर्य नारायण भगवान के प्रिय वृक्ष हैं। जो इन वृक्षों की पूजा करता है तिथि के अनुसार, बताई गई तिथि के अनुसार, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है और भाग्य में वृद्धि होती है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं जो हैं इस उपाय को करने से पूरी होती हैं, सभी मनोकामनाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए इस उपाय को करने का, और उपाय करने से पहले ये भी प्रयास करें जिस स्थान पर आप पूजा करने जा रहे हैं वहां तीनों वृक्षों को स्थापित करें, किसी गमले आदि में लगाएं अथवा जमीन में पहले से लगाकर इनको तैयार रखना चाहिए। उसके पश्चात 1650 से इन तीनों वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार यह उपाय करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री कृष्ण का कहा गया कोई भी उपाय जो है वो मिथ्या नहीं हो सकता, उसका प्रभाव अवश्य होता है। तो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यह उपाय अवश्य करें और अपने दुर्भाग्य को दूर करें। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, पुराणों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। और सूर्य नारायण भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सभी के दुर्भाग्य को दूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।